कहानी अच्छी सुनाई तुमने। थैंक यू सर। थैंक यू। भोसड़ी के पुलिस वाले को चूतिया समझता है। बलून ले लो बलून, रंग बिरंगे बलून। बलून ले लो बलून, रंग बिरंगे बलून ले लो। अरे साहब बलून ले लो ना साहब, दो दिन से कुछ नहीं खाया है। एक बलून ले लोगे तो आपको दुआ मिलेगी साहब, ले लो ना साहब। सब हम के ना जाए के बस राक्षस के पास, सब हम के यही रख लो साहब। हम आपके घर का झाड़ू बर्तन और आपके खाना भी बना देंगे साहब। अच्छा बेबी, तो मैं निकलती हूँ। ये क्या है? डिवोर्स पेपर। मैंने साइन कर दिया है, तुम भी पढ़ के साइन कर देना। घर भी उतना ही बड़ा है जितना कि वो घर था। आपको अकेले डर नहीं लगता है? डर किस बात का है? ये है ना मेरे साथ, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। ये कौन साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम नहीं समझोगी। खैर छोड़ो, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। क्यों, जलन तो बहुत हुई होगी? ऐसे मत चलो, जलकर राख हो जाओगी। मेरे पीछे आओ। और हाँ, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। देखो तुम इस रूम में रह सकती हो। और हाँ, ये सामने वाला दरवाजा कभी मत खोलना। क्यों क्यों साहब? मैंने कहा ना कि मुझे ज्यादा सवाल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सावधानी के लिए बता दूं कि इसमें एक खतरनाक पागल रहता है। हाँ, पागल? हाँ, मेरा भाई। मैं उसको पागल खाने तो नहीं भेज सकता ना। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। ए, एकदम चुप, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। चीनी नहीं मिल रही है। yeah.
ज्यादा मिठास मुझे पसंद नहीं। ओके साहब। और हाँ, ऊपर अलमारी में कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। ओके साहब। हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। यार मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। सर डोंट वरी, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और उससे डील कर लूंगी। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए बात नहीं हो पाएगी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तुम अपना ध्यान रखना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो मुझे कॉल जरूर करना। हेलो हेलो हेलो। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। दरवाजे से दूर रहना, अगर यहाँ रहना है तो जो कहा जाए वो मानो, वरना उठा अपनी कॉपी और भाग यहाँ से। माफी साहब, माफी, अब नहीं होगी ऐसी गलती साहब। साहब, हाँ? यहाँ पानी तो बहुत आता होगा ना साहब? हाँ, वो तो तालाब देखकर ही समझ गई थी मैं। हमारे गांव में पता है साहब, बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं और हम लोग उस तालाब में बहुत नहाते हैं। आप बोलो तो हम इस तालाब में नहा ले। ये तालाब नहीं है, ये स्विमिंग पूल है। अरे साहब, कोई भी पूल हो, हमें तो सिर्फ नहाने से मतलब है। आप बोलो तो हम नहा ले। ठीक, नहा लो। साहब आप भी आइए ना साथ में। नहीं नहीं, तुम जाओ। ठीक है साहब। Thank you.
हाथ तो दो। वो देख रही है। वो कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो आना, तुझे क्यों जलन हो रही है? ले, छोड़ दिया। जी मैडम। नम्रता, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फोन लगा है। मैडम, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। सुनो नम्रता, मैं तुम्हें एक झुमके की फोटो भेज रही हूँ। तुम राधे के घर में सर्च करो, उससे मैचिंग इयररिंग कोई मिलती है क्या? ओके मैडम। The person you're calling is currently talking to someone else. The person you're calling is currently busy on another call. सर, आपका फोन। यस गौरव, टेल मी। जी, वो शिवांगी का फोन नहीं लग रहा है, अभी तक घर नहीं पहुंची। हो सके तो आप बात करवा दीजिए। गौरव, शिवांगी इस वक्त एक सीक्रेट मिशन पर है। तुम बेफिक्र रहो, वो ठीक है। कब तक आएगी वो? कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। डोंट वरी गौरव, शिवांगी जल्द से जल्द लौट आएगी। ओके ओके बाय। अर्जुन। जी सर। ये फाइल डीसीपी साहब के ऑफिस में पहुंचा देना। जी सर। ओके। के लिए कुछ खाने के लिए लाएगा? मुझे भूख नहीं है, मैं पपीता खा लूंगा। तुम खा के सो जाओ। ठीक है साहब। Thank you.
रशीली, मैंने कहा था ना कि बिना पूछे कुछ मत करना। सब मैंने क्या किया? मैं तो आपके लिए तोड़ रही थी। मेरे अलावा इस पपीते को कोई नहीं तोड़ सकता, वो बुरा मान जाएगी। वो कौन? तुम नहीं समझोगी, मैं तोड़ के देता हूं। ये ले, काट कर लेके आ। तू चिंता मत कर, तू नाराज क्यों हो रही है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नम्रता बोलो। सर आपका शक सच में बदल गया सर। सर ये वही सीरियल किलर है सर, जो औरत और किन्नर बनके लोगों को मारता है। सर मुझे कुछ चीजें भी मिली हैं सर। सर आप जल्दी से पुलिस फोर्स लेकर आ जाइए सर, ये बहुत खतरनाक है। सर मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है सर। हेलो हेलो नम्रता, हेलो हेलो हेलो। अब तू ये सोच रही होगी कि मैं राधे से लक्ष्मी कैसे बनी, यानी कि एक मर्द से एक हिजड़ा कैसे बनी। तो चल तुझे मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी का टाइटल है पति पत्नी और वो। चुगली कर रहे आ जावे सजना, प्यार बन के छा जा तू। रोशनी